जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के हल्के इंतखाब कोकरनाग में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछलियों का फार्म कायम है। साल 1984 में यूरोपियन कंपनी के तआवुन से इस ट्राउट फार्म का कायम अमल में लाया गया था और आज ये एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फार्म माना जाता है। इस ट्राउट फार्म में खसूसन रेनबो ट्राउट मछलियों को ही पाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम ऑनिकोरिंकस माइकिस है। कोकरनाग का नाम सुनते ही इंसान की आंखों के सामने हरे भरे जंगल, लहलाते खेत खलियान के अलावा मशहूर बॉटनिकल गार्डन और एशिया का सबसे बड़ा रेनबो ट्राउट फार्म आंखों के सामने आ जाता है। 400 करान अराजी पर फैला ये ट्राउट फार्म 1984 में मुअर्रिज़ी वजूद में आया। ये ट्राउट फार्म रियासत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली फार्म माना जाता है। मछलियों की ब्रीडिंग के लिए कुदरती चश्मे का ताज़ा साफ़ो शिफा पानी इस्तेमाल होता है। फिश ब्रीडिंग सेंटर लगभग 400 कनाल रुकबे पर फैला हुआ है। इसमें फीड मिल के अलावा तरबियती मरकज और सेल्स सेंटर भी कायम है, जिसमें साल हर साल मछलियों को फरोख्त किया जाता है। साथ ही साथ मजकूरा महकमे में मुलाजमीन को मुख्तलिफ ट्रेनिंग से आरास्ता किया जाता है। यहाँ की ट्राउट मछलियों में प्रोटीन की मकदार ज्यादा जबकि फैट्स या चर्बी कम होने की वजह से तिब्बी माहिरीन बीमारों को इन मछलियों का भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह भी देते रहते हैं। तो जो कश्मीर के अक्सर बेशतर प्राइवेट और सरकारी मछली फार्मों के लिए कोकरनाग के ट्राउट फार्म से ही सीर वगैरह फराहम किया जाता है। ये जो ट्राउट मछली है ये तो इसको 24 घंटे पानी होना चाहिए। इसमें 5 मिनट 6 मिनट को बात ही नहीं कि अगर इसमें पानी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पूरा रनिंग वाटर होना चाहिए। ये तो और फ्रेश वाटर इसमें सफाई भी करनी पड़ती है। आपको सर पता है आज सर्दियों के मौसम में माइनस टेम्परेचर है और हमारे मुलाजिम वेडर जो जिसको हम वो पानी की वर्दी होती है वेडर लगा के नीचे उतरते हैं पानी में, तो उनको सफाई का वीकली हम सफाई करते हैं, क्योंकि जो हम इसको फीड डालते हैं जो इसकी गंदगी होती है वो तो पांड में डवन जो पांड का होता है उसमें सफाई करनी हुई ड्रेन बोर्ड आगे से लगे होते हैं वो निकालने पड़ते हैं। बहुत मुझे अच्छा आपने देखा होगा सर हमारा जो ब्रीडिंग चलता है वो भी इसी मौसम में चलता है, वो भी माइनस टेम्परेचर में ही चलता है, क्योंकि जो ट्राउट का वो नवंबर से स्टार्ट होता है एंडिंग फरवरी तक। बहुत हेक्टिक है सर, बहुत मेहनत इसमें करनी पड़ती है कि और रात भर जो आज पत्ते भी गिरते हैं हवा से वो अगर हमारे इनलेट पे आ जाएंगे तो हमारा पानी बंद हो जाएगा। अगर 5 मिनट में मैंने पहली बार अर्ज़ किया अगर 5 मिनट हमें 5 मिनट की बात है 2 मिनट भी हमें पानी बंद हो जाएगा ये ट्राउट ऑटोमेटिक मर जाएगी। इसलिए हमारे मुलाजिम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आज भी और गर्मियों में भी ये बात होती है कि जो हमारा गार्डन है गार्डन से पानी आता है उसमें जो सयाह लोग आते हैं उसमें वो ये डालते हैं सर जो भी उनका वेस्टेज होता है वो उसी में डालते हैं वो भी यहाँ आता है, फिर पंजा देना पड़ता है, सिग्रीन बार बार साफ़ करना पड़ता है। इसमें तो ये प्रॉब्लम कार्ब में या जो कश्मीरी सर्जो थारक से उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है सर, इसलिए हमें यह चौकसी भरनी पड़ती है और हमें पूरा ख्याल रहना पड़ता है कि पानी रनिंग होना चाहिए। काबिल जिक्र है कि इस ट्राउट फार्म में फकत 35 मुलाजमीन काम करते हैं जिनकी अंधक काविशों की वजह से ये ट्राउट फार्म दिन दुगनी रातें चुगनी तरक्की की राहों पर गामजन है। मगर इस ट्राउट फार्म को मजीद जाजिब नज़र और फ़ाल बनाने के लिए रियासती इंतजामिया को चाहिए कि वो इस महकमे में काम करने वाले अमले में मजीद इजाफा करे ताकि ये ट्राउट फार्म मजीद वसी बन सके और जदीद खतूत पर उस्तवार हो सके। जो ट्राउट यूनिट्स इन प्राइवेट सेक्टर में एस्टेब्लिश हुए इट इज़ 581 और इस साल हमारा जो टारगेट है वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश 250 ट्राउट यूनिट्स इन जे एंड के। वी गेट ए रेवन्यू ऑफ लास्ट ईयर हमने 183 लैक्स का रेवन्यू रियलाइज किया है और दिस ईयर वी हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड वी होप वी विल टच नियर अबाउट 190 to 200 लैक्स। देखिए जो ये
ट्राउट कल्चर है, ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा मुनाफा उनमें हुआ है और बहुत हर जगह सक्सेस स्टोरीज बनी हैं। फार्मर्स जो प्राइवेट कल्चर कर रहे हैं उनको बहुत मुनाफा मिल रहा है और उनका जो फीड से ही निकलता है, जो सेकंड ईयर, पहले फर्स्ट ईयर में तो इनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सेकंड ईयर से तो ये खुद ये इसी में जो इनका वहाँ इनकम आ जाते हैं उसी से ये गुजारा करते हैं, फीड भी और सीड भी। जो ये आइड हुआ स्टेज है ये हम रियासत के बाहर बेचते हैं। जो फ्राई है, एडवांस फ्राई और फिंगरलिंग स्टेज है, वो हम J&K में ही सप्लाई करते हैं। जो हमारे चाहे वो गवर्नमेंट यूनिट हो या प्राइवेट यूनिट से, हर जगह हर किसी यूनिट से यहाँ ही जाता है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बाकी हैचरीज एस्टेब्लिश है वहाँ से ही वो डिस्ट्रिक्ट में कैटर करते हैं। और जहाँ तक बाहर यानी जम्मू कश्मीर से बाहर जो सीड जाता है वो आइड ओवर स्टेज में जाता है। हम सिक्किम बेचते हैं, हम भीमताल बेचते हैं, जो कोल्ड वाटर डायरेक्टर ऑफ कोल्ड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो ICR का है, वहाँ भी हम बेचते हैं। हम पहले भूटान भी बेचते थे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कोल्ड वाटर इंस्टीट्यूट या स्टेट्स हैं वहाँ रेनबो ट्राउट का कल्चर होता है तो यहाँ से सीड हम बेचते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपदा योजना के तहत जो स्कीमें आ रही हैं हम उनको वो असिस्ट कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली हो फिजिकली हो, तो हर जगह हम टेक्निकल नोहा भी देते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। जो दोज हु आर विलिंग, हमारे जो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए स्कीम्स अच्छी हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक अप दिस ट्राउट कल्चर। यहाँ से न सिर्फ रियासत के प्राइवेट सेंटरों को सीड फराहम किया जाता है बल्कि गैर रियासती और बैन अक्वामी सतह पर भी यहाँ के बीज को फराहम किया जाता है। अगरचे इस हवाले से महकमे के मुलाजमीन को ट्राउट मछलियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, ताहम मजकूरा मुलाजमीन की अनथक कोशिशों की वजह से ही ये फॉर्म फल फूल रहा है। गजाला निसार, न्यूज़ वायर, कोकरनाग, अनंतनाग।